कंग्रेचुलेशन फ्लिप के लिए लोगों को बहुत ही पसंद आ रही है आप बताइए कि पहले तो ये जानना चाहिए कैसा रहा आपका कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस फ्लिप बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा बहुत ही अलग यू नो टाइप की वेब सीरीज़ है ये तो बहुत इंटरेस्टिंग था कॉम्प्लिकेटेड था काफ़ी शूट करना बट बहुत मज़ा आया क्योंकि विजॉय बहुत ही यू नो कमाल के फिल्म मेकर हैं और उन्होंने जो स्टोरी लिखी है वो तो और भी कमाल की है तो इट वॉज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्लस यू नो बहुत इंटरेस्टिंग एक्टर्स के साथ काम करने के लिए मिला जैसे जिम सराब है विराफ पटेल हैं तो डिफरेंट एक्टर्स हैं यू नो दोनों मुझसे तो इट वॉज़ इंटरेस्टिंग एक्चुअली जब मैंने सबसे पहली बार टाइटल सुना था तब तो मैंने पढ़ा नहीं था जी हाँ तो जब पहली बार मैंने टाइटल सुना था तो मुझे लगा था ये क्या है लाइक मसाज बिकॉज द फर्स्ट जो फर्स्ट थॉट होता है जब आप मसाज सुनते हैं तो वो थाईलैंड बैंकॉक मसाज वो वाला यू नो वैसी घंटी बजती है बट मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ी और फिर कोरिलेशन यू नो देखा दोनों का तो बहुत इंटरेस्टिंग था इनफैक्ट दैट्स वन ऑफ द रीजन्स मैं करना चाहती थी बिकॉज बहुत क्वर्की है और जैसे कि नेम सजेस्ट करता है फ्लिप बहुत फ्लिप्ड आउट है तो इंटरेस्टिंग था क्योंकि वेब सीरीज ऑन एयर हो चुकी है शूटिंग का कैसा रहा एक्सपीरियंस आपकी आपका जो पार्ट था काफ़ी हेक्टिक था बिकॉज यू नो वी शॉट इट ओवर लाइक आई थिंक 5 दिन में हमने ख़त्म किया 45 मिनट की वेब सीरीज है तो बहुत टाइट था जो हमारे पास टाइम था वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड था और अगर आप यू नो वेब सीरीज देखोगे तो उसमें दो पार्ट्स हैं एक जहाँ पे मैं यू नो आई एम प्लेइंग लाइक अ 27-28 ईयर ओल्ड जो मेरी अपनी एज है और एक पोर्शन है जिसमें मैं 50 साल का यू नो औरत प्ले कर रही हूँ तो वो डिफ़िकल्ट था क्योंकि प्रोस्थेटिक्स थे एजिंग था वो पूरा प्रोसेस थोड़ा टाइम लगता था और उसका पूरा बॉडी लैंग्वेज वो सब यू नो ऑब्वियसली व्हेन यू आर प्लेइंग अ स्लाइटली ओल्डर कैरेक्टर स्लाइटली ना जो यू नो डबल द एज तो वो सब ध्यान में रखना था तो काफ़ी डिफ़िकल्ट था बट बहुत एज एन एक्टर बहुत मज़ा आया क्योंकि ऐसा कुछ आपको करने को ज़्यादातर मिलता नहीं है और एक ही वेब सीरीज़ में आप दो एज ग्रुप्स प्ले कर रहे हो और उसको कन्विंसिंगली प्ले करना है विदाउट यू नो कैरिकेचरिश नहीं लगना चाहिए तो चैलेंज था बट बहुत मज़ा आया बिकॉज बिजॉय बहुत क्लियर थे उन्हें क्या चाहिए आई थिंक एज ए डायरेक्टर ही इज़ वेरी वेरी यू नो उनके न्यूएंसेस बहुत अच्छे हैं और वो आपको बहुत यू नो डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं उनको क्या क्या चाहिए तो बहुत क्लैरिटी थी इट वॉज़ फन बिकॉज हम बहुत यू नो दो पारसियों के साथ में शूट कर रही थी और दोनों पागल हैं और दोनों का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही कमाल का है तो हम इतना हंसते हैं अगर आप यू नो उसके ब्लूपर्स देखोगे हमारे मेकिंग के तो आपको समझ में आएगा कि हम सीरियस सीन्स कर रहे थे और उसके बीच में हम इतना हंस रहे थे सो इट वाज फन और इसी बहाने हम ऐसा मान सकते हैं कि आपको डबल एज का भी जी बिकॉज यू नो ये ऐसी चीज़ें आपको यूजुअली लेटर ऑन इन यू नो करियर में करने को मिलता है जब तक यू नो जब आप थोड़े मंजे हुए एक्टर बन जाते हो अर्ली ऑन में मुझे ऐसा कुछ प्ले करने के लिए मिला है तो बहुत चैलेंजिंग और इंटरेस्टिंग और सेटिस्फाइंग रहा है और यू नो अभी तक जितने लोगों ने देखा है उन्होंने तारीफ ही की है तो यू नो तो अच्छा लगता है कि जो आपने वो मेहनत करी है क्योंकि यू नो और छोटे यू नो स्पैन ऑफ टाइम में वो ठीक ठाक हो गई तो इट्स फन जी काफ़ी यू नो फ्रेंड्स और फैमिली और ऑफ कोर्स इंडस्ट्री के लोग सब ने देखी और सबके मैसेजेस आए हैं कि उनको बहुत पसंद आ रही है और सबको यू नो पूरा कॉन्सेप्ट और जिस तरीके से यू नो शूट किया गया है वो सब बहुत पसंद आ रहा है क्योंकि इट्स लुकिंग यू नो लार्जर देन लाइफ और बहुत अच्छे से शूट किया है बिजॉय ने एंड बिजॉय इज़ नोन टेक्निकली बहुत ही कमाल की फिल्में बनाते हैं वो जी और इवन शैतान बहुत बहुत ब्यूटिफुली शूट करते हैं
और इसमें भी उन्होंने यू नो बहुत ब्यूटीफुली मुझे प्रेजेंट किया है. इनफैक्ट जब मैं यू नो बूढ़ी वाली जो यो मेरा यू नो जो कैरेक्टर है उसमें भी मैं उसने बहुत यू नो अच्छे से मुझे प्रेजेंट किया है. तो आई थिंक इज़ वन ऑफ द यू नो वेरी फ्यू फिल्म मेकर्स हु प्रेजेंट्स वुमेन रियली रियली ब्यूटीफुली. और या संदीपा जी, हमने आपको फिल्मों में भी देखा है और हम आपको वेब सीरीज में देख रहे हैं. आपके अनुसार कितना डिफरेंट होता है ये जो वेब सीरीज की दुनिया है या ये जो फिल्मों की दुनिया है, आपके अनुसार कितना डिफरेंट होता है दोनों प्लेटफॉर्म में? आई थिंक एज एन एक्टर प्रेपरेशन तो प्रीटी मच सेम होती है बिकॉज द प्रोसेस इज द सेम. जब आप वेब सीरीज भी करते हो तब भी आपको पूरी स्क्रिप्ट यू नो पहले ही मिल जाती है और आप उसको एक फिल्म की तरह ही शूट करते हो. बट आई थिंक बिकॉज वेब सीरीज इज ओवर 10 एपिसोड या 8 एपिसोड्स तो आपको वो ब्रीदिंग स्पेस मिल जाती है इन ऑर्डर टू एच आउट अ कैरेक्टर. सो यू गेट मोर इन्वॉल्व विद अ कैरेक्टर और उसका बैक स्टोरी उस सब कुछ आपको यू नो डिटेल में आप समझा सकते हो. वेयर इज़ बिकॉज फिल्म बस 2 घंटे की होती है तो आप उतनी डिटेल में नहीं जाते हो और उतना दिखा नहीं पाते हो. तो आई थिंक बट सो एज एन एक्टर पीपल ऑल्सो आई थिंक रिलेट टू यू मच मोर इन अ वेब सीरीज एज अपोज टू इन अ फिल्म. बट प्रिपरेशन वाइज और काम करने के तरीके में प्रीटी मच इट्स द सेम बिकॉज जिस तरीके से हम फिल्म शूट करते हैं वैसे ही हम वेब सीरीज भी शूट करते हैं. एटलीस्ट अब तक मैंने जो वेब सीरीज शूट करी हैं वो ऐसे ही शूट की हैं लाइक अ फिल्म. तो इट्स नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस. बट मैं पर्सनली आई इन्जॉय वेब सीरीज मोर बिकॉज आई थिंक जिस तरीका का कॉन्टेंट वेब सीरीज में आ रहा है वो फिल्मों में अभी तक नहीं आया है. आई थिंक फिल्में अभी भी थोड़ी सेफ जोन में यू नो प्ले करती हैं. आई थिंक नॉट जस्ट सेंसर बट इवन जो यू नो स्टोरी आइडियाज़ हैं फिल्म्स के वो अभी भी थोड़े यू नो सेफ हैं. वेयर एज बिकॉज यू नो वेब में आप यू नो यू हैव नथिंग टू लूज सो यू कैन एक्सपेरिमेंट फार मोर. और तो एज एन एक्टर ऑल्सो आप लाइक इवन इफ आई कंपेयर जो मैं वेब सीरीज़ कर रही हूँ उसमें भी मेरे कैरेक्टर्स इतने वेरीड हैं. वेयर एज इन फिल्म्स मे बी दैट्स नॉट दैट पॉसिबल. तो आई थिंक एंड टुडे आई थिंक यू नो आप कहीं पे भी किसी को भी देख लो चाहे वो यू नो ट्रेन में बैठे हैं बस में बैठे हैं रिक्शा में बैठे हैं सब अपने फ़ोन पे लगे हुए हैं. दे आर वॉचिंग यू नो समथिंग ऑफ द एल्स एंड आई थिंक इट्स ग्रेट दैट पीपल आर वॉचिंग अ होल लॉट ऑफ कॉन्टेंट ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म. और इट्स ऑल्सो गिवन एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ होल लॉट ऑफ एक्टर्स टू डू अ लॉट मोर वर्क विच इज़ ग्रेट. जी I don't know चेंज हो रही है नहीं हो रही है बट ऑफकोर्स आई थिंक ये साल मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस साल में मेरा बहुत सारा काम बाहर आएगा. होपफुली इट विल बी अ टर्निंग ईयर फॉर मी एंड इट विल फ्लिप होपफुली. बट या इट्स इंटरेस्टिंग. मैंने ऐसा सोचा नहीं था आपने नाउ दैट यू हैव मेंशनड इट. इट्स एन इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन. सो होपफुली जी. तो अभी मैं एक फ्लिप के अलावा मैं एक Z5 के लिए वेब सीरीज कर रही हूँ जो है अब है जो कुणाल केमो के साथ है. उसके अलावा I've got a film called फिरकी जो नील नितिन मुकेश के साथ है. करण सिंह ग्रोवर हैं के मैनन है जो आई थिंक मई जून में रिलीज़ हो रही है. देन आई डन अ स्पेशल सॉन्ग फॉर सलमान खान फिल्म प्रोडक्शन जी. इट्स फॉर अ फिल्म कॉल्ड कागज एंड इट्स अ वेरी वेरी स्पेशल सॉन्ग. और सतीश कौशिक जी की फिल्म है उन्होंने डायरेक्ट की है. पंकज त्रिपाठी हैं फिल्म में और अहमद खान ने कोरियोग्राफ किया है सॉन्ग को. तो मेरे लिए बहुत बड़ा सॉन्ग है और पहली बार मैं ऐसा कोई यू नो स्पेशल सॉन्ग कर रही हूँ. मैं डांस तो खैर यू नो सालों से कर रही हूँ बट फिल्मों में अभी तक ऐसा कोई गाना नहीं किया तो पहली बार ये कर रही हूँ. और एक और वेब सीरीज़ कर रही हूँ जो ओल्ड बालाजी के साथ है जिसका नाम काटिल है जो विवेक ओबरॉय के साथ है और उसमें सुप्रिया पाठक है. और या एज ऑफ नाउ दैट्स दैट जी. बहुत ही बिजी है ये साल और काफ़ी यू नो चीज़ें निकलने वाली हैं.
स्ट्रीमिंग हो चुकी है फ्लिप जी, आपके फैंस को बस यही कहना चाहूँगी अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ फ्लिप जाके इरोस नाउ पे लाइव है देखिए, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरीज, चार डिफरेंट स्टोरीज़ हैं और सब इंटरकनेक्टेड नहीं है, हर एक स्टोरी अलग है अपने आप में और हर में कुछ ना कुछ ट्विस्ट है, इंटरेस्टिंग टर्न्स हैं, इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं और जो जिसमें मैं हूँ उसका नाम असाज है और बहुत यू नो बहुत अच्छे से बिजॉय नंबियार ने इसको डायरेक्ट किया है और लिखा है और आई होप आप लोगों को पसंद आए और देखिए और मुझे बताइए आपको कैसी लगती है। जी थैंक यू सो मच।